दोस्तों फैन फाइट की एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। इस ऐप का जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जो है अभी फैन फाइट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही लेस मिलता है, तो आप जो है जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ जो है आप सभी यहाँ पे जो है रोज़ाना के 1,00,000 तक का मेगा लीग जीत सकते हैं। अभी जो है इसको डाउनलोड कीजिए और मेरा जो है रेफर कोड ज़रूर से डाल के रख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई चलिए चालू करते हैं आज के सीरीज को। शुरुआत करते हैं भाई बेन स्टोक्स की। मैंने आपको जो है कल बताया था कि बेन स्टोक्स के जो फादर है उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, लेकिन आज जो है काफी अच्छी जो है खबर आ रही है कि जो बेन स्टोक्स के फादर है उनके जो है हालत में काफी जो है अच्छा सुधार देखने को मिला है और बेन स्टोक्स जो है ग्राउंड के ऊपर लौट चुके हैं। तो ये जो है काफी अच्छी खबर है। हम सब की जो दुआ है वो बेन स्टोक्स के फादर को लग गई और उनके जो फादर है वो जो है बहुत ठीक हो जाएंगे और स्टोक जो है फर्स्ट टेस्ट में खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट की, तो इसके अंदर जो है भाई जेम्स एंडरसन ये जो है खिलाड़ी अपना 150 टेस्ट मुकाबला खेल रहा है, जो कि अभी तक किसी भी तेज गेंदबाज के द्वारा सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। यहाँ पे जो है जेम्स एंडरसन जो है 150वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अब जो है मैं खबर आ रही है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से, जहाँ पे जो है उनके बहुत ही बड़े खिलाड़ी जिनका नाम है अशोक डिंडा। यहाँ पे जो है डिंडा बंगाल के लिए लगातार जो है बहुत सारे जो है क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है बंगाल ने अशोक डिंडा को अपने रणजी के स्क्वाड से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है डिंडा ने अपने बॉलिंग कोच के साथ में बदतमीजी से बात की, उनको जो है गाली गलौज के साथ में बात किया, यही चलते जो है डिंडा को बंगाल की टीम ने अपने रणजी के स्क्वाड से निकाल दिया। तो अभी देखते हैं क्या डिंडा इससे बाहर आ पाते हैं या फिर हमेशा के लिए उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आईसीसी की। यहाँ पे जो है आईसीसी ने एक किया पोस्ट कि आप सभी जो है क्रिकेट फैंस बताइए कि कौन होना चाहिए इस डेकेड का कैप्टन। तो भाई यहाँ पे जो है एज यूजुअल सभी ने सिर्फ एक ही नाम लिया, वो नाम आपको भी जो है पता है, आपके जुबान पे है, वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो भाई यहाँ पे जो है इतने सारे जो है आ गए कमेंट कि धोनी धोनी धोनी, और यहाँ पे जो है मेरे को लगता है कि इस जो है डेकेड का कैप्टन आईसीसी महेंद्र सिंह धोनी को ही डिक्लेयर करने वाली है। और यहाँ पे जो है विजडम क्रिकेट ने जो है रोहित शर्मा को इस डेकेड का आईपीएल कैप्टन चुना है। अब बात करते हैं हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। यहाँ पे जो है मोहम्मद शमी सबसे जो है पहले 2014 में हम बोल सकते हैं लीडिंग विकेट टेकर थे उस ईयर के वनडे क्रिकेट में, और अभी जो है 2019 में भी जो है मोहम्मद शमी लीडिंग विकेट टेकर है वनडे क्रिकेट के। लेकिन क्या आप सभी को पता है मोहम्मद शमी के अलावा जो है ऐसा कौन सा लास्ट भारतीय गेंदबाज था जो कि वनडे में लीडिंग विकेट टेकर था? यहाँ पे जो है वो नाम आता है इरफान पठान का। यहाँ पे जो है 2004 में जो है इरफान पठान लीडिंग विकेट टेकर थे वनडे क्रिकेट में, उसके बाद जो है कोई खिलाड़ी आया है वो है मोहम्मद शमी, जिन्होंने वनडे में लीडिंग विकेट टेकर का हासिल किया है। अब बात करते हैं भाई वर्ल्ड 11 वर्सेस एशिया 11 के बीच में मुकाबले की। यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है अपने बीसीसीआई ने, साफ साफ बोल दी है इस जो है एशिया 11 में हमको कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, अगर भारतीय खिलाड़ी को आप वहाँ पे चाहते हो कि हमारे टीम में खेले एशिया 11 में, तो आप जो है किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को एशिया 11 की टीम में मौका मत दो। उसके साथ जो है भाई बोल दिया है यहाँ से जो है हम अपने 5 भारतीय जो है प्लेयर्स को भेजने वाले हैं एशिया 11 की टीम में। हालांकि अभी तक जो है उन जो है 5 खिलाड़ियों का नाम सामने आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल दिए हैं 5 प्लेयर को भेजेंगे अगर जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी एशिया 11 की टीम में नहीं खेलेंगे तभी। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट की और डे 1 की। यहाँ पे जो है बॉक्सिंग डे के फर्स्ट दिन में जो है भाई इतना जो है ज्यादा क्राउड आया था मेलबर्न के मैदान में, लगभग जो है 80,000 से जो है ज्यादा की ऑडियंस आई थी। आप जो है सोचिए कि 80,000 पीपल आए थे वो भी एक जो है टेस्ट मैच देखने के लिए डे 1 पे, ये जो है बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ जो है भाई
भाई स्टीव स्मिथ आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट मैच, वो भी टॉप 10 में। नंबर 1 पे रिकी पॉन्टिंग है टेस्ट में, और यहाँ पे जो है नंबर 10 पे जो है शामिल हो चुके हैं वो है स्टीवन स्मिथ। उसके साथ जो है भाई एक और न्यूज आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट मैच से, जहाँ पे जो है इनकी टीम ने मिचेल स्वीपसन को जो है बुलाया है तीसरे टेस्ट मैच के लिए। ये जो है भाई मिचेल स्वीपसन एक जो है लेग स्पिनर है, खेलते हैं बिग बैश लीग में ब्रिस्बन हीट की टीम की तरफ से। तो भाई इनकी जो है स्क्वाड में एंट्री हुई है तीसरे टेस्ट मैच में, वहीं जो है भाई पीटर जो है सिडल को स्क्वाड से रिमूव कर दिया गया है। अगर आप सभी भाई जो है बिग बैश लीग देखते हो तो आप सभी के लिए जो है अच्छी खबर है कि डेल स्टेन और नेथन कुल्टर नाइल के जो नाम है वो भाई मेलबर्न के स्क्वाड में अनाउंस हो चुका है। उनका जो मुकाबला है वो होने वाला है कल मतलब कि 27 दिसंबर को। तो यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि डेल स्टेन जो है अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं बिग बैश लीग में कल के मुकाबले में मेलबर्न की टीम की तरफ से। अब बात करते हैं भाई पैट कमिंस की। यहाँ पे क्या आप सभी को मालूम है पैट कमिंस जो है इतने जो है ज्यादा महंगे बिके हैं, तो उनकी जो एक रहेगी डिलीवरी वो कितने प्राइस की रहेगी? यहाँ पे जो है अगर पैट कमिंस चोटी नहीं होती तो वो जो है केकेआर के लिए पूरा 14 लीग मुकाबला खेलेंगे, ठीक है। ऐसे में जो है 14 लीग मुकाबला खेलेंगे, उसमें से जो है अपने जो है पूरे मतलब कोटे के 4 ओवर करेंगे, तब वो जो है पूरे 14 मैच में 56 ओवर करने वाले हैं। उसके साथ जो है इन 56 ओवर में पैट कमिंस की जो एक रहेगी डिलीवरी, उसकी जो रहेगी भाई कॉस्ट, वो रहने वाली है 4,61,000। तो आप जो है सोचिए अगर पैट कमिंस एक बॉल भी यहाँ पे आईपीएल में फेंकते हैं, उसकी जो भाई रहेगी प्राइस वो रहेगी 4,61,000, क्योंकि इतने महंगे जो है कमिंस बिके हैं इसीलिए। अब बात करते हैं भाई नवदीप सैनी की। यहाँ पे जो है सैनी ने बोला है कि उनका जो है अगला टारगेट वो है भाई वर्ल्ड T20 इंडिया के स्क्वाड में जगह बना पाना। हमको भाई एक बात तो मालूम है, विराट ने बोल दिया है एक जगह भाई खाली है फास्ट गेंदबाज के लिए, लेकिन उस जो है भाई एक जो है जगह के लिए 3 लोग का नाम सामने आया था, दीपक चहर, नवदीप सैनी और खलील अहमद। ये जो है 3 में से कोई एक खिलाड़ी जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भाई खेलेगा टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड T20 के मुकाबले। अब बात करते हैं भाई पूर्व कैप्टन इंग्लैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है माइकल वॉन। यहाँ पे जो है उन्होंने एक बात बोली है कि जो ICC का टेस्ट रैंकिंग है वो एकदम भाई कचड़ा है, एकदम जो है खराब है। क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि टेस्ट में जो है न्यूजीलैंड की टीम और जो इंग्लैंड की टीम है वो उतना अच्छा खेल दिखा नहीं पाते, लेकिन फिर भी जो है ICC उनको जो है पॉइंट्स देती है। तो यही जो है चलते वॉन ने बोला है कि उनको जो है ICC का जो है टेस्ट रैंकिंग बिल्कुल जो है कचड़ा और बिल्कुल ही खराब दिखाई देता है उनके नजर में। अब बात करते हैं भाई आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को मालूम है इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डबल सेंचुरी कौन से भाई मारे है प्लेयर ने? उसका नाम है चितेश्वर पुजारा। यहाँ पे जो है भाई पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 12 बार डबल सेंचुरी मारी है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो दोस्तों ये थी मेरे पास आज की न्यूज, मैं आप सभी को मिलता हूँ कल के वीडियो में। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।